हेलो फ्रेंड्स, अब विंटर सीज़न आ रहे हैं, उसके लिए हम अपने प्लांट्स पर फ्लावर लाने के लिए क्या करें। सभी फ्रेंड्स, प्लांट्स में बर्ड्स तो आती हैं, बट फ्लावर हमारे जो है पहले से जो है स्मॉल साइज़ में आने लगे हैं। उसके लिए फ्रेंड्स हमको क्या करना पड़ेगा, आज हम उस बारे में फ्रेंड्स जो है कुछ बात करेंगे और कुछ काम करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं आप, ये है मस्टर्ड केक। तो इसका फ्रेंड जो है ये किससे बनती फ्रेंड्स, पहले तो ये सरसों की जो खल होती है, जो ऑयल निकलता है सरसों से, उस ऑयल से जब ऑयल निकल के साइड हो जाता है, फिर बाद में जो सरसों का जो कचरा बचता है उससे ये केक्स बनते हैं। तो ये फ्रेंड्स इसको हम अपने गार्डन में अपने सभी प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, सब्जी वाले फ्लावर्स के लिए, फ्रूटिंग के लिए, सभी प्लांट्स में। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है इसका। तो फ्रेंड्स इस 10 लीटर की बकेट फ्रेंड्स, ये 10 लीटर के लिए आपको, तो प्लांट्स तो काफ़ी रहते ही हैं फ्रेंड्स अपने घर में, तो आप इसको जो है कितना यूज़ करें इसके पूरा प्रोसेस में बताऊंगी। तो ये देखिए, ये खल जो है ये इतनी सारी मैं भिगो रही हूँ। इसमें देखिए कुछ फ्लावर्स पड़े हैं जो हम पूजा में जो फ्लावर भगवान जी को चढ़ा देते हैं वो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे निकलते हैं पर मैं साइड से हम लोग डाल देते हैं। अभी हम ये खल का इसी में डाल देते हैं क्योंकि इसको भी हम 2 डेज तक भिगोएंगे क्योंकि विंटर सीज़न है। आप इसको पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं, सूखा जो होता है इसका यूज़, और ये फर्टिलाइज़र बना के भी कर सकते हैं। इसको मिक्सी में अपने जो पीस कर, पीसने के बाद जो चूरा बनेगा उस चूरे को भी आप अपने गार्डन में मिट्टी के थोड़ा सा साइड हटा के और साइड में उसको सॉइल में दबा सकते हैं, जिस तरीके से हम और भी खाद सूखी वाली डालते हैं। तो उसी तरीके से इसको गुड़ाई करके थोड़ी सी और पूरे में ये चारों तरफ सॉइल में इसको इसका भुरकाव कर देना है, थोड़ी थोड़ी भुरक देना है। तो इसको फ्रेंड्स हम सभी प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर्स और फ्रूटिंग सब्जियाँ, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है ये फ्रेंड्स। तो विंटर में इसका और आगे कभी भी आप बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस ये इसकी क्वांटिटी जो है आपको थोड़ी पतली रखनी है और थोड़ा सा जो है अभी विंटर में आप थोड़ा सा एक मतलब थोड़ा ज़्यादा भी घोल, जो मैं बताऊँगी जब घोल बन जाएगा तब। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसमें वाटर अच्छे से कर लिया है और अभी इतने में जब भीग जाएगा अच्छे से, पूरा अच्छे से गल जाएगा तब हम इसका यूज़ करेंगे। तो अभी हम इसको 2 डेज के लिए रख देते हैं और छाँव में रखेंगे फ्रेंड्स, धूप में बिल्कुल ना रखें, शेडेड एरिया में रखें। जब ये अच्छे से बन जाएगा तब हम इसका आगे का वीडियो बताएंगे आपको। तो इसके जो है ये फ्लावर्स हम साइड कर देते हैं, इनका कोई इसमें काम नहीं है, इसमें जो भी उसमें होगा उसका फर्टिलाइज़र बन गया है। तो ये है फ्रेंड्स मेरा पारिजात का प्लांट, देख रहे हैं आप, इसमें हम बहुत ही हैवी देख रहे हैं अभी फ्लावरिंग हो रही है, तो अभी इसको फर्टिलाइज़र की बहुत ही ज़रूरत है। तो ये हमने अच्छे से इसमें पूरी चारों तरफ से, और ये 20 लीटर की बकेट है फ्रेंड्स, चारों तरफ से अच्छे से डाल दिया है। ये देखिए मेरी कुछ कटिंग्स हैं जो कि अभी इनकी हालत ये है, अभी हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे, तो आप भी ध्यान रखें अपनी कटिंग से बिल्कुल अप्लाई ना करें ये। और ये इंडोर प्लांट हैं तो फ्रेंड्स इसमें भी अप्लाई करें ये। तो आप इस फर्टिलाइज़र को या किसी भी फर्टिलाइज़र को मॉर्निंग या इवनिंग में ही अप्लाई करें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम ये डालते हैं फर्टिलाइज़र तो इससे प्लांट जलने का डर रहता है, तो इसलिए फ्रेंड्स इसका ध्यान रखें।